धोनी के घुटने का हुआ ऑपरेशन, आईपीएल के दौरान लगी थी चोट, चोट लगने के बावजूद भी अपने फैंस के लिए धोनी ने पट्टी बांधकर खेला, चेन्नई को चैंपियन बनाने का जुनून सिर पर ऐसा चढ़ा कि धोनी ने घुटने की परवाह नहीं की, एमएस धोनी के घुटने की सर्जरी की गई। धोनी का घुटना आईपीएल 2023 के पहले मैच के दौरान चोटिल हुआ था। 30 मई को जैसे ही आईपीएल अपने अंजाम पर पहुंचा, उसके बाद मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल जाकर धोनी ने अपने घुटने की जांच कराई। 31 मई को घुटने की जांच के बाद 1 जून की सुबह यानी आज उनके घुटने का सफल ऑपरेशन कर दिया गया। आपको बता दें कि पूरे आईपीएल मैच के दौरान धोनी के घुटने की चोट सुर्खियों में बनी रही। उन्हें ये चोट 31 मार्च को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गई लीग के पहले मैच के दौरान लगी थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाने का जुनून सिर पर ऐसा चढ़ा कि धोनी ने घुटने की परवाह नहीं की। हालांकि इस बीच मैदान पर कई बार ऐसी तस्वीरें दिखी जब धोनी कभी दर्द में तो कभी लंगड़ाते नजर आए। मिली जानकारी के मुताबिक धोनी का ऑपरेशन पारदीवाला ने किया। डॉक्टर पारदीवाला सेंटर फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन के हेड है और ऋषभ पंत की सर्जरी में भी इनकी बड़ी भूमिका रही थी। घुटने की सर्जरी के बाद धोनी फिलहाल अस्पताल में ही है। धोनी के घुटने की सर्जरी होने के बाद अब उनके अगले सीजन में खेलने की उम्मीद जाग उठी है। आईपीएल 2023 के फाइनल के बाद धोनी से ये सवाल हुआ था कि क्या ये उनका आखिरी आईपीएल है। इस पर उन्होंने कहा था कि बेस्ट टाइम तो यही है, लेकिन जिस तरह का प्यार उन्हें फैंस से इस सीजन में मिला, इसके बाद वो उन्हें गिफ्ट देना चाहेंगे और वो अगले सीजन में भी खेलना चाहेंगे। धोनी की वो चाहत अब पूरी हो सकती है। उनके घुटने का ऑपरेशन हो चुका है और इससे उभरने में जो वक्त लगेगा वो भी अभी पर्याप्त है। धोनी ने खुद ही कहा था कि अगले सीजन को लेकर फैसला करने के लिए उनके पास 6 से 7 महीने का वक्त है, तो इतने वक्त में घुटना कैसा है वो भी सीएसके के कप्तान को अच्छे से पता चल जाएगा। मैच के बाद सीएसके के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने धोनी की चोट पर अपडेट दिया था। फ्लेमिंग ने कहा था कि टूर्नामेंट से पहले धोनी के घुटने में दर्द हो रहा था, उसके बाद धोनी बाद के मैचों में बाएं घुटने पर पट्टी बांधकर खेलते नजर आए। यही नहीं, वह घुटने की चोट के वजह से बल्लेबाजी करने के लिए अधिकांश मैचों में निचले क्रम पर आए। पिच पर भी वे दौड़कर रन लेने के बजाय बड़े शॉट्स ज्यादा खेलते नजर आए। धोनी ने भी आईपीएल सीजन के दौरान बीच में कहा था कि वह ज्यादा दौड़ नहीं सकते, इसलिए वे निचले क्रम पर आकर बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच धोनी की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इसमें धोनी अपने हाथ में श्रीमद् भगवद् गीता लिए हुए कार में बैठी है। ये फोटो तब की है जब महेंद्र सिंह धोनी अपने घुटने की सर्जरी के लिए कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती होने के लिए जा रहे थे। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए। अगर आप धोनी के फैन हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।